स्टेशन हाय 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 इलेक्शन कर दिया गया स्टेशन हाय 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 इलेक्शन कर दिया गया डिपार्टमेंट हाय 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 आईटी एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 आईटी एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 आईटी एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 गरीबों को सताने वाले गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक बिजली डिपार्टमेंट हाय 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 बिजली डिपार्टमेंट हाय 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 गो बैक गरीबों को सताने वाले गो बैक गो बैक गो बैक हाय जी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा हाय हाय देखिए एमनेस्टी स्कीम जो बनाई थी हमारी जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कल मैंने एक वीडियो देखी मैंने पहले ही कहा था कि बिजली का मुद्दा जहां जहां पे होगा मैं नॉन पॉलिटिकल पहुंचूंगा वही नॉन पॉलिटिकल इशू कल एक वार्ड नंबर 4 के आया था इस माह को लेकर एक मुद्दा उठाया था मुद्दा क्या था कि 5 महीने की इस माह की बिजली काट दी गई है इस माह के छोटे छोटे पोते हैं ना वो पढ़ पा रहे हैं ना मोटर लग रही है पानी पीने के लिए भी बाहर से लाया जा रहा है अगर 5 महीने से इस माह को कुछ हो जाता इसकी तरफ कैमरा मारिए इस माह वार होता मैं अर्जी साहब को पूछना चाहता हूँ कि अर्जी साहब आपने ये बात कही थी कि गरीबों को मेरा डिपार्टमेंट देख लेगा मगर आपका जो डिपार्टमेंट जो है 15,000 रुपए का बिल 1.5 लाख रुपए में तब्दील करके एमनेस्टी स्कीमें बना रहा है और 5-5 महीने से मेरी माताओं बहनों की बिजली काट रहा है 5 महीने से इसकी बिजली काटी हुई है और कितने बिल के ऊपर काटी हुई है आप सोच भी नहीं सकते कितने बिल के ऊपर बिजली काटी है ये मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है पहले 2 मिनट देख लीजिए ये प्रूफ पड़ा हुआ है सिर्फ 15,090 रुपए बिल है टोटल इसका बिल है 17,328 रुपए ये डेट है 31 मार्च तक इसका बिल जो पेंडिंग है सिर्फ 17,000 रुपए पेंडिंग है लेकिन अफसोस कि उसी चौथे महीने इसकी एमनेस्टी स्कीम बनाई जाती है इस माह की जिसका नाम है श्रीमती दर्शना देवी जिसका लास्ट बिल 17,000 रुपए का है एमनेस्टी स्कीम इसकी 1.5 लाख रुपया बना दी जाती है और 5 महीने से ये बेचारी दर बदर हो रही है 5 महीने से बिजली काट कर बैठा हुआ है या चोर डिपार्टमेंट चाहे यहाँ पे AWE बैठा हो चाहे SCN बैठा हो या कोई भी जेई हो या कोई भी लाइनमैन हो 12 घंटे का टाइम है उनके पास अगर 12 घंटे में मेरी माता की लाइट नहीं लगी ये काली चन्नी की रहने वाली है दर्शना देवी जिसका 17,000 रुपया सिर्फ पेंडिंग था मार्च महीने उसकी एमनेस्टी स्कीम बना दी जाती है अप्रैल महीने 1.5 लाख रुपए की तो 17,000 को 1.5 लाख रुपए में तब्दील करके उसकी बिजली 5 महीने से काटी हुई है और एलजी मनोज सिन्हा साहब मैं आपको पूछना चाहता हूँ जब आपका अपने डिपार्टमेंट पे कंट्रोल ही नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी MD साहब को पूछना चाहता हूँ जब आपका अपने डिपार्टमेंटों पे कंट्रोल ही नहीं 17,000 रुपए का बिल जो है मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है दर्शना देवी का मार्च महीने 17,000 रुपए का बिल और एमनेस्टी स्कीम बन जाती है अप्रैल महीने 1.5 लाख रुपए की कहाँ से 17,000 का 1.5 लाख बन गया और 5 महीने से जो इसकी बिजली काटी है किसने राइट दिया 1.5 लाख रुपया वैसे तो इसका बिल 17,000 रुपया है अगर 1.5 लाख भी होता तो बिजली काटने का राइट किसने दिया बिजली आप पैसा लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हो लेकिन 17,000 रुपए का बिल 1.5 लाख रुपए की एमनेस्टी स्कीम बना दी यानी कि शो भी ऊपर कर दिया इसको एक कसूरवार भी बना दिया और 1.5 लाख जहाँ एमनेस्टी स्कीम बनी है तो नेचुरली 2-2.5 लाख रुपया बनाया होगा कुछ माफ भी किया होगा तो जब 17,000 सिर्फ पेंडिंग था 17,000 की एमनेस्टी स्कीम बननी थी तो 1.5 लाख रुपया मार्च का अप्रैल महीने 1 महीने में कैसे बन गया तो आपकी छोटी सी मिस्टेक वो बेचारी 5 महीने से चक्कर लगा रही है रो रो के बुरा हाल है कल मैंने एक वीडियो देखी वीडियो पे यहाँ पहुंचा मैं 12 घंटे का टाइम देता हूँ
अगर कल सुबह 10 बजे तक इसकी माता की लाइफ बड़ी इज्जत के साथ नहीं लगाई गई तो ये याद रखना, इस माता को लेकर लाइट मैं खुद खंबे पे चढ़ के लगा दूंगा, जितनी एफ आई आर लगानी होगी ना लगा देना। माता जी क्या कहेंगे, कदू दी लाइट कटी है, मैं आख्या मैं मेरी लाइट लावा करे तो नहीं लानी है, तो तुम बाहर निकलो तो मकान खाली करो, तो कब्जा करना तुम्हारा। एक उन्हें आख्या था मैं बिजली वाले, किसी के बाप का राज है कोई किसके मकान पे कब्जा करेगा। मैं मकान बेचने पर हो गई, बाकी किसी ने लिया नहीं। रोए क्या लियो तुसो? मैं रो रही, मैं बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, मेरे काम करने का कोई नहीं है, बाकी बच्चे मेरा एक अन्ना और ये रहा एक छोटा है, 6 बंदे खाने वाले, 7 बंदे, कोई पैसे का कोई मसला नहीं है, याद है कि नहीं होता 12,000 रुपया फिर महीने लगे, मैं 12,000 कुछ दिया, मैं 1,000 रुपया नहीं कटी सकती है, अगर नहीं चलो 1,000 रुपया मिलता मैं पिंजर की दवाई। बिजली किन्ने महीने की कटोई थी थोड़ी? 7 महीने ही है कटे दे, जा रही घर मोती बाजार, जा रही घर परेड, जा रही पानी में टोई टोई मेरी बात खड़ी हुई है। एलजी साहब अगर वीडियो दिखा दे उन्हें क्या आखना चाहोगे? मकान कब्जा करी ओड़ना, मैं करी ओड़ो भाई मकान मेरा कब्जा। अगर किसी के बाप में, अगर किसी के बाप में दम है तो इसकी माता के कब्जे की तो बड़ी दूर की बात है, इस माँ को कोई हाथ लगा के बताए। आप कब्जे की बात कर रहे हो, किस पे कब्जा करोगे? 17,000 रुपए बिल पे, 17,000 रुपया बिल है ये देख लीजिए, सिर्फ 17,328 रुपए इसका मार्च महीने 2023 तक पेंडिंग है, और फिर एमनेस्टी स्कीम कितने की बना दी जाती है? 1.5 लाख, बाद में बोला जाएगा ये मिस्टेक थी। अमित जी पीछे रखो ना माइक। अमित जी जैसा कि अफसर होता है जब राज चल रहा है, ये यूपी का गुंडा राज चल रहा है, जो हम जम्मू के टोकरे नहीं चलने देंगे, ये याद रखिएगा एलजी साहब, जम्मू के टोकरों को आपने बेवकूफ समझा है, जम्मू के टोकरे बेवकूफ नहीं है, जम्मू के टोकरे जाग चुके हैं, जम्मू का टोकरा ना तो स्मार्ट मीटर लगने देगा ना अपने किसी भाई बहन की बिजली कटने देगा। नहीं आ रही, जब 17,000 इसका पेंडिंग है, 1.5 लाख रुपए की एमनेस्टी स्कीम कैसे बन गई और 5 महीने से इसकी बिजली काटी है? शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट को, और शर्म आनी चाहिए हमारे टोकरे और शर्म आनी चाहिए हमारे लाइनमैनों को, और यहाँ की जो कॉर्पोरेटर है मैं उसको पूछना चाहता हूँ, जो भी यहाँ की कॉर्पोरेटर है चाहे वो भाजपा की या किसी की भी है, जो भी यहाँ पे वार्ड नंबर 4 की कॉर्पोरेटर है उसको शर्म नहीं आती? उसको शर्म नाम की चीज नहीं? उसने घर जाके पता नहीं किया कि 17,000 का 1.5 लाख कैसे बन गया, कैसे बन गया? जब ये माता उस कॉर्पोरेटर के पास जाती है जो यहाँ पे जीती हुई कॉर्पोरेटर थी, तो वो भी इसको बोलती है बिल देना पड़ेगा उसको, अगर वो अनपढ़ता की तरफ, वो अनपढ़ है उसको पता नहीं, उसने देखा नहीं 17,000 का सारा पेंडिंग है, 1.5 लाख रुपए की एमनेस्टी स्कीम कैसे बन गई इस माता की? इस माता का बिल, माता 5 महीने से इनकी बिजली कटौती हुई है, और ये पिछले हफ्ते एक मीटिंग के दौरान मेरे संज्ञान में लाया था, और मैंने बत्ती जुड़वाने की बात डिपार्टमेंट को करी, और डिपार्टमेंट ने बत्ती का जोड़ने का कोई भी इनसे संज्ञान नहीं लिया, और ये माता से जब परसों ये मेरे पास आई तो इनको, इन्होंने कहा कि अब मुझे बच्चा मकान बेचना पड़ जाएगा बिजली का बिल चुकाने के लिए। तो कल मैंने मीडिया से इनका वीडियो बनवाया, तो जब मीडिया में इनका वीडियो चला तो यहाँ पे एक सामाजिक लोग आए यहाँ पे, और सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी है, नॉन पॉलिटिकल भी लोग, और सभी एकजुट होकर इस माता जी का एक मुद्दे को लेके हम उस एलजी को संदेश देना चाहते हैं जो आईफोन की बात करते हैं, इनके हाथ में आईफोन नहीं, और इनके बच्चे आज बिना पानी और बिजली के एक भारत के नागरिक जो कि देशवासी हैं, सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी जो भारत का झंडा लेकर चलाते हैं, पर भारत में उन्हें रहने का ये इल्जाम है, इनके पास पैसे नहीं, ये गरीब व्यक्ति है और इनको बिजली पानी जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये है यहाँ के एलजी, मैं मीडिया के माध्यम से एलजी महोदय को संदेश देना चाहता हूँ, अगर इस तरह आप लोगों को यहाँ पर रख जाए, आपको कोई अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का, आप अपने घर वापस चले जाइए, और 12 घंटे के अंदर अगर इस बुजुर्ग महिला की बिजली ना जोड़ी गई तो इसका कड़ा जवाब हम इसका प्रोटेस्ट पूरे जम्मू में बढ़ चढ़कर करेंगे, और इसके घर की बच्चों की कोई भी अगर इनके घर पे हादसा होता है, इसका जिम्मेवार यहाँ की जो
राज्य मोदी एलजी साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वो उठाएगी। और मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इस माता का बिजली का बिल माफ किया जाए और इस माता की बिजली जोड़ी जाए और जम्मू में जो भी ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं उनके भी बिजली के बिल माफ किए जाए। जय हिंद, धन्यवाद।